हेलो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 21 में हमें देखना है कि 9 नंबर जो सरगम है आपका अलंकार, उसे किस तरीके से प्ले करना है और किस तरीके से उसे सीखना है। 8 नंबर में आपने 3-3 का पेयर बनाया था और 9 नंबर में हमें 4 का पेयर बनाना है। ओके, इसमें क्या था, सारेगा, फिर इसका सेकंड वर्ड रेगामा, फिर इसका सेकंड गामापा, फिर इसका सेकंड मापाधा, फिर इसका सेकंड पाधानी, ऐसा करके पूरा था। अब इसमें क्या करना है, जस्ट इसमें भी उसी तरीके से करना है, बस फ़र्क ये होना है कि ये 4-4 का पेयर बनेगा। ओके, तो सारे गामा, फिर इसका सेकंड रे है, रे गा मा पा, है ना, फिर इसका सेकंड गा है, गामा पाधा, फिर इसका सेकंड मा है, मा पा धानी, फिर इसका सेकंड पा है, पाधा नीसा। ओके, फिर जस्ट वैसे ही रिटर्न भी आना है, रिटर्न सा नी धा पा होगा, है ना, तो सा नी धा पा, नी धा पा मा, फिर सेकंड धा पा मा गा, फिर सेकंड पा मा गा रे, फिर सेकंड मा गा रे सा। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन को, फिर से देखते हैं। सा रे गा मा, रे गा मा पा, गा मा पा धा, मा पा धा नी, पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा, पा मा गा रे, मा गा रे सा। तो क्या 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 अपन ने इसमें एक और जोड़ दिया है, 3 था तो अब 4 कर दिया। अब पहले तो इसको प्ले करना सीखना है आपको, है ना, बिना बीट के। तो ये ध्यान रखना है कि जैसा 8 नंबर था, सारेगा रेगामा, सारे गा में छोड़ देते थे, अब इसको सारे गामा में छोड़ना है। सारे गामा, फिर रेगामा पा, गामा पा था, मा पा धा नी, पा धा नी सा, रिटर्न सा नी धा पा, नी धा पा मा गा, पा मा गा रे सा। 4-4 वर्ड में 4-4 जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपके स्वर, वैसे आपको वहाँ छोड़ देना है। तो पहले तो ये प्रैक्टिस करके देखना है, है ना, और फिर इसके बाद मैं वेट के साथ प्ले करूँगी। 2-2 टाइम मैं इसीलिए प्ले करके दिखा देती हूँ। Bye.
जैसे सारे गामा, सॉरी, वन टू थ्री स्टार्ट। सारे गामा रे गामा पा गामा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। ओके वेट बज रहा है आपका, वन टू थ्री स्टार्ट। सा रे गा मा रे गा मा पा, वन वन करके छोड़ते जाना है ना, फोर जब कंप्लीट हो आपका। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा तरीके से आपको ये वाला भी करना है, ये ध्यान में रखना है। इसके पहले वाला 3 का पेयर था और ये 4 का पेयर है ना, तो इसको 4 का जो पेयर है इसमें भी जस्ट उसी तरीके से अपन को करना है जैसे अपन ने 8 नंबर में किया था। बस फर्क ये रहेगा कि इसमें 4 वर्ड होंगे, है ना, इसमें 4 रहेंगे और इसमें 3 रहेंगे, है ना। और सेम वही चीज़ है कि सेकंड स्वर से दूसरा वाला अपन को पेयर बनाना है और इससे भी वही करना है, ये सेम चीज़ है। बस इसमें एक एक सुर बढ़ता जाएगा, है ना, इसमें 3 थे तो इसमें 4 होते जाएंगे, आपने सारे सरगम में देखा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के और इसको प्ले करके देखिए, और सारे सरगम जितने भी ये अलंकार हैं सरगम हमने आपको बताए हैं, ये आपने अगर अच्छे से कर लिए तो आप ये ध्यान में रखिए, अगर प्रैक्टिस में आ गया तो आप बहुत कुछ चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने पिछले भी कई पार्ट में मैंने कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन सारी चीज़ों को आप एक कॉपी पे म्यूज़िक की कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट करते जाइए, क्योंकि मैटर ज़्यादा होता जाएगा फिर आपको धीरे धीरे करके वो भूलता जाएगा, और जब कॉपी में नोट रहेगा तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपने किया है। तो चलिए इस पार्ट में हम इतना ही और करते हैं, इतना ही बताते हैं आपको, और इसकी प्रैक्टिस करिए और जो भी प्रॉब्लम हो उसे शेयर करिए। ओके, थैंक यू।